स्वागत है। आज हम रिव्यू और स्वॉच करने वाले हैं न्यूली लॉन्च जस्ट हर्ब्स की हर्ब एनरिच्ड मिनी मैट लिक्विड लिपस्टिक, जो कि 3 शेड रेंजेस में अवेलेबल है, डीप्स एंड रेड्स, ब्राइट्स एंड पिंक्स और न्यूड्स एंड ब्राउन्स। हर एक सेट में आपको 5 ml की 5 मिनी लिक्विड लिपस्टिक्स मिलती हैं। ये एक प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट मिनी ट्यूब में आती है विद अ 2-foot एप्लीकेटर। मेरे पास ब्राइट्स और पिंक्स का सेट है और मैं विद एंड विदाउट मेकअप इनको स्वॉच करूंगी। पहला शेड पियोनी पिंक है, ये एक रेडिश पिंक शेड है जो हर स्किन टोन पे अच्छा लगेगा। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि एप्लीकेटर इसका इतना छोटा होने के बावजूद भी बहुत ही स्टर्डी और इजी टू यूज है। दूसरा शेड एप्रिकॉट कोरल है, जो पीची कोरली पिंक शेड है। इस लिपस्टिक का टेक्सचर और फ्रेग्रेंस बहुत ही लाइट है और अगर आपने लैक्मे की लिप एंड चीक लिपस्टिक ट्राई की है तो ये बहुत कुछ उन्हीं के जैसी है। ये शेड फेयर टू वेरी फेयर स्किन टोन्स को भी सूट करेगा, लेकिन डार्क कलर का अगर आप लिप लाइनर लगाते हैं तो सभी स्किन टोन्स पे जाएगा। तीसरा शेड फ्यूशिया पर्ल है, ये एक म्यूटेड पिंक कलर है जो कि सभी स्किन टोन्स पे बहुत खूबसूरत लगेगा। चलिए देखते हैं कि ये ट्रांसफर प्रूफ है या नहीं, हालांकि ब्रांड ने ऐसा कोई क्लेम नहीं किया है। जी नहीं, ये ट्रांसफर प्रूफ नहीं है। अगला कलर है ये बेहद प्यारा सा खूबसूरत सा ब्राउनिश पिंक कलर, जो सभी स्किन टोन्स पे बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन डीपर स्किन टोन्स पे और भी अच्छा लगेगा। शेड का नाम है रास्पबेरी पिंक। लास्ट शेड है मलबरी मॉव, ये पर्पल पिंक शेड है और अगेन ये शेड सभी स्किन टोन्स पे बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, इन लिपस्टिक्स की खासियत है इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट। जी हाँ, इसमें है मुलेठी, गोटुकुला, अश्वगंधा, मंजिष्ठा, सारे ही बहुत ही हर्बल इंग्रेडिएंट्स इसमें डले हुए हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको आर्म स्वॉचेस भी दिखाऊंगी और सीक्वेंशली मैं आपको बताऊंगी कौन सा शेड क्या है। सबसे पहले है पियोनी पिंक, दूसरा है एप्रिकॉट कोरल, तीसरा है फ्यूशिया पर्ल, चौथा है रास्पबेरी पिंक और लास्टली मलबरी मॉव। तो यहाँ पे समाप्त करते हैं हम आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।